हेलो हाय, वेलकम टू आवर चैनल माधुरी एक्सप्रेस ब्लॉग्स। तो जैसे ये एक नया ब्लॉग है होटल आनंदा इन, जिसका रूम रिव्यू शेयर किए थे। तो ये उसी आनंदा इन का कंप्लीट मतलब इन एंड आउटसाइड जो भी है ना होटल में, तो वो सारे चीज इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अगर चाह रहे हो कि आनंदा इन पे रहे या ना रहे, तो और ये आपका कोई भी जानकारी चाहिए तो उसी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें पूरे डिटेल्स कवर है, तो हम सोचे कि क्यों ना मतलब क्यों छोटा छोटा बनाए, एक एक ही वीडियो में पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे दे रहे, ताकि आपको एक ही प्लेस में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसलिए एक ही वीडियो बनाए, तो वीडियो इसलिए थोड़ा लंबा होगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, तो पूरा देखिए ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन यहीं पर पता चल जाएगा। तो जैसे रहता है ना कि सबका, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबका ऐसा एक मतलब मन रहता है ना, सब सपना रहता है कि एक 4 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में रुके तो उसका क्या है फैसिलिटी, वो देखे, वो जाने उसको। क्योंकि नहीं, मुमकिन नहीं होता है ना, तो कि 4 स्टार होटल में जाके रुके तो हम लोगों ने ना एक बोले कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि लाइफ में कब क्या है वो नहीं पता ना, तो एक बार एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हैं। मतलब बार बार थोड़ी ना जा रहे, एक बार जाके एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है 4 स्टार होटल और उसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो सारे चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मतलब पहले एंट्री किए ना, एक अलग सा फील हुआ, जैसे राजा महाराजा का घर, जैसे मतलब वो बंगलो नहीं रहता है, जैसे मॉल रहता है, तो ऐसा ही एक फील हुआ कि कोई भी राजा के घर पे आ गए हम लोग, ऐसा फील हुआ। तो जैसे मतलब एंट्रेंस में ना, वहाँ पे जो इनका पियोन था, मतलब जो सो गेट कीपर था ना, वो भी पूरा सिर पे पगड़ी वगैरह बांध के खड़ा हुआ था, जैसे पूरा कॉस्ट्यूम पहन के, क्योंकि सारे स्टार होटल का ना उनका एक पॉलिसी रहता है, सारे अपने गेटअप पे रहते हैं, उनका कोई ड्रेसिंग कोड रहता है, तो सब कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन रहता है, सारे प्रॉपरली मेंटेन होता है। इसीलिए वो लोग तो स्टार होटल बोलते हैं ना, क्योंकि स्टार मतलब उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड वो लोग मेंटेन करते हैं। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब यहाँ पे शेयर करती हूँ कि लास्ट टाइम एक बार ना हम लोग ताज होटल गए थे, ठीक है। तो ताज होटल जैसे वो भी वन ऑफ द बेस्ट स्टार होटल है, तो वहाँ पे गए तो ऐसे एक कुछ एक मीटिंग था उसके लिए गए थे, तो वहाँ पे देख रहे थे कि इंटर मतलब अंदर कितना अच्छा है, और उसका जो सारे इंटीरियर बना हुआ ना बहुत ही सुंदर है। तो हम सोचे थे कि फोटो खींचे, फिर डर भी लग रहा था भाई फोटो खींचे तो कोई गाली तो नहीं करेगा ना, तो मतलब ऐसा वाला एक था कि एक बार जाके भी वहाँ पे फोटो खींचने में हमको बहुत हिचकिचाहट महसूस हुआ। तो इसीलिए सोचे कि एक बार हो आते, देखते स्टार होटल चीज होता क्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बार आ तो गए यहाँ पे, फिर देखे कि हाँ सही में स्टार मतलब स्टार ही होते, स्टार होटल का थोड़ा अलग ही मतलब चमक रहता है। तो आप भी देख के समझ पा रहे हो ना, ये स्टार वाली फील जो है स्टार होटल का, वो यहाँ पे कितना जच रहा है। मतलब यहाँ का इसका जो बिल्डिंग का लुक्स भी इतना सुंदर है, और जैसे आप अगर एंट्री जहाँ पे कर रहे हो ना, तो वहाँ पे एंट्रेंस में बहुत अच्छा मिलेगा। और ये जो प्लेस है, ये है, यहाँ से आपको स्विमिंग पूल जाने का रास्ता है, तो यहाँ से स्विमिंग पूल जा पा गया ऊपर। और ये हम लोग ना नेक्स्ट डे, जैसे हम लोग पहुंचे थे 2 बजे का चेक इन था ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे 2 बजे के बाद ही पहुंचे हम लोग, पूरा लंच वंच करके और विले होके फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ का देखिए, ये जो यहाँ पे सारे हेल्पर लोग हैं, ये सब लगेज वगैरह लेके जाते हैं, और लगेज लेने का भी जो बैग है ना, आपको लगेगा वहाँ पर ये भी गोल्डन जैसा मेंटेन कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग जैसे थर्ड फ्लोर में था, तो यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी है सारे, और ये देखिए अंदर लेके जा रहा है। और एक जोन जो था पहले वहाँ का मतलब जो काम वर्कर है, वो पहले मतलब अपना जो लगेज था ना, वो सारे लेके चला गया, और रूम बोल रहे थे कि 2 बजे
क्लीन हो गया है ऑलरेडी, फिर वो अपना सारे मतलब लगेज लेके चला गया। फिर हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि दो रूम बुक किया हुआ था, तो उसी हिसाब से वो लोग रूम दिखाएंगे फिर वो लोग जाएंगे। फिर यहाँ पे ना मतलब सारे रूम ऑक्यूपाइड था, और हम लोगों का जो रूम था सुपीरियर रूम था, वो सबसे अच्छा वाला मतलब रूम लिए थे हम लोगों ने, ताकि सोचे कि एक बार एक्सपीरियंस करें कि कैसा है। और यहाँ का रूम का चार्जेस जैसे 5,000 6,000 पर नाइट ऐसा रहता है। और रूम का इनसाइड जो व्यू है ना, और रूम में क्या क्या है वो तो ऑलरेडी एक दूसरे वीडियोज में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आपको आकर जानना है फिर से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे, ताकि आपको रूम का डिटेल्स भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वो रूम व्यू नहीं दिखा है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो ये वाला जो है ना, ये कॉरिडोर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे सारे रूम्स मतलब एक ही लाइन पे है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, सारे पूरा एक ही लाइन पे बना हुआ है। और यहाँ पे यहाँ से आप अगर सिट आउट एरिया है तो यहाँ पे स्मोकिंग जोन भी है, लोग यहाँ पे बैठ के स्मोक करते हैं कुछ कुछ लोग। और जैसे यहाँ से ना स्विमिंग पूल पूरा दिखता है, और जैसे अपना ऋषि तो उसको तो स्विमिंग पूल से मतलब है, बाकी दुनिया जाए बाहर में वो बस स्विमिंग पूल चाहिए उसको। ओ ये जो यहाँ पे आया है ना, वो ऐसे बोल के आया है कि उसको बाउ हाउस जाना है, मतलब वो हमेशा ना इस होटल को बाउ हाउस बोलता है, तो बोलता है जहाँ पे स्विमिंग पूल है वहीं पे जाना है, दूसरे प्लेस में उसको नहीं जाना है। तो इसलिए वो आके पहले खबर ले लिया कि स्विमिंग पूल कहाँ पे है, क्योंकि स्विमिंग पूल दिखेगा तो ही उसको समझ में आएगा कि हाँ वो पहुंच गया है। और यहाँ पे आने के बाद तो इतना एक्सेलरेट हो रहा है कि मत पूछिए मतलब बहुत ही एक्सेलरेट था वो स्विमिंग पूल को लेके, क्योंकि वो जब से आए तब से बोला था कि कब कब यहाँ पे स्विमिंग पूल पे जंप करे, कब जाए नहाने के लिए, वो बहुत ही एक्सेलरेट हो रहा था स्विमिंग पूल जाने के लिए। और ये वाला जो यहाँ पे स्पॉट है ना, ये ब्लू वॉल बार एंड किचन, इनका बार एंड किचन भी बहुत अच्छा है। आप मतलब जैसे ना आप आओगे तो आपको ऐसे रिग्रेट नहीं होगा कि आप ये वाला होटल पे आए हो। तो फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हैं रूम पे, अगर कोई भी चीजों में ना कोई भी चीज अगर चाहिए होता है, कॉल मतलब हाउस कीपिंग जो नंबर है आप तुरंत कॉल करते हो तो तुरंत वो लोग आ जाएंगे आपके मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए कोई भी चीजों का जरूरत हो, इवन ड्रिंक्स भी आपको चाहिए होता तो वो कॉल करने पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं उनके मतलब स्टॉक के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल, ऋषि तो हट ही नहीं रहा है, वो तो स्विमिंग पूल के बगल में ही वहीं पे मतलब देख रहा है कब तक स्विमिंग पूल जाए कब तक वो नहाए। उसको बहुत मुश्किल से रोका गया था, भाई आज रुक जाओ, आज आए हैं ट्रैवल करके, आज नहीं नहाते कल नहाना, पर वो सुनता कहाँ है भाई, वो तो इतना एक्सीलरेट था कि बस उसको स्विमिंग पूल ले जाना है। और वहां से हम लोग ना जा रहे थे, रॉक बीच जाना था हमें, तो हम लोग वहीं से रेडी वेडी हो गए फिर रॉक बीच के और निकल पड़े, क्योंकि रॉक बीच तो ऐसे यहाँ पे बहुत फेमस बीच है, यहाँ पे आओ तो रॉक बीच जाना तो कंपलसरी है। तो ये लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट पूरा लगा हुआ है, आपको किसी भी चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप अगर चलना भी चाहो वो सीढ़िया है और आप उसे आ सकते हो। और आपको लिफ्ट ट्रेवल करना है तो लिफ्ट भी है, लिफ्ट का हेल्प ले सकते हो। और लिफ्ट ये जो है ग्लास वाले ट्रांसपेरेंट वाला लिफ्ट है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं। और जैसे हम लोग ना यहाँ से रोक बीच के लिए निकलने वाले थे, फिर और यहाँ पे भी पूछे, जैसे हम लोग आने से पहले ना पूरा गूगल कर गए ऑलरेडी, और ऑलरेडी 3 4 बार हम लोग पांडिचेरी तो हो आए हैं, तो इसलिए मतलब इन एंड ऑल हमें तो आइडिया है कि कौन सा मेजर अट्रैक्शन है यहाँ पे। जैसे जब ऋषि नहीं हुआ था ना तब आए थे, तो उस टाइम क्या था ना मतलब अपने जैसे अगर बच्चा रहता है तो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है घूमना थोड़ा, और जब बच्चा नहीं रहता है तो उस टाइम थोड़ा इजी रहता है सारे चीज एक्सप्लोर कर। तो उस टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ पे स्कूटी रेंट पे मिलता है ना, मतलब 2 व्हीलर रेंट पे मिलता है, तो आप चाहो तो 2 व्हीलर रेंट पे लेके आप पूरा पांडिचेरी एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छा है।
आप अगर प्राइवेट बुक करके कोई भी कैब वगैरह या गाड़ियां वगैरह लेके जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा रहता है और किसी के ऊपर डिपेंड करना रहता है। पर आप अगर मतलब खुद के ये कोई भी अगर टू व्हीलर लेके जाओ, रेंट पे लेके जाओ तो बहुत इजी रहता है। आप अपने हिसाब से घूमो फिरो फिर रिटर्न कर दो, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना रहता है, ऐसा कहना है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो ना आके कैसे घूमे, तो आपको अगर राइडिंग पता है, आजकल तो सबको राइडिंग पता ही है, तो आपको अगर ड्राइविंग पता है तो आप आराम से आके टू व्हीलर रेंट पे लेके आप पूरा दिन उसको अवेल कर सकते हो। जैसे नॉर्मली 300 या 400 इसका चार्जेस रहता है, तो ये काफी रिजनेबल है, तो कोई भी अवेल कर सकता है आराम से। फिर 300-400 में आप पूरे दिन गाड़ी लेके घूम सकते हो, जैसे अपना गाड़ी सोच के ही आप तो घूम ही सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, और यहाँ का ना इसका पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा है, आप देख पा रहे हो ना बिल्डिंग के सामने पार्किंग स्पेस, और ये है होटल आनंदा इन, कितना बड़ा है और कितना कलरफुल है, कितना सुंदर है। मतलब जब भी हम लोगों ने एंट्री की ना, दम लगा, बाप रे भाई कहाँ आ गए हम, इतना बड़ा होटल जो 4 स्टार में हम लोग रुकने वाले हैं, ये तो देख के कैसा मतलब एक अलग सा दुनिया में आ गए ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है 4 स्टार पे रुके हुए, तो फर्स्ट टाइम इन लाइफ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो आप भी अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लिए हो ना तो जरूर शेयर कीजिए, मजाक मत उड़ाइए, तो जरूर शेयर कीजिए कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लिए होंगे। और किसी के लोगों के लिए ये तो कॉमन ही है, और लोग नॉर्मल स्टार होटल में रहते हैं, पर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये स्टार होटल में रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे इसका जो मतलब इंटरव्यू है ना बहुत अच्छा है, और ये किचन जाने का रखा है। ये यहाँ पे किचन है। कटे कमिंग कम हाथ तो धोना होगा। मैं यूट्यूब चैनल को रही दबाना। अच्छा हमें यूट्यूब चैनल चैनल चला पर देखे एग आमलेट पेनकेक कटा विंग कटा कथा है जी पोले पाक को बोल पाव हाउस को जीवा कटा कथा है जस बोल चटनी कॉफी टी एटा फिटनेस है आशा दी खाना भी फिनिश हो गया, चाय भी नहीं है। पानी बाबा को दे से हाय। और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट है, ये देखिए पहले ये लिए हम लोगों ने फ्रूट्स, इसमें बटर है, ब्रेड भी दे रहे हैं और मिल्क शेक है, और ये रिशी यहाँ पे खा रहे हैं बटर, और ये दूसरा प्लेट भी ख़त्म हो गया है। इसमें जो जो चीज़ वहाँ पे है दिखाएंगे अभी, तो ये लोग खा रहे हैं डोसा, हॉट डोसा पूरा डायरेक्ट अभी बोल रहे तो बना के दे रहे हैं क्रिस्पी डोसा। माँ खाइब बस।
क्या हो रहा है टू यहाँ पे? टू के लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल बन रहा है, ये फ्लोटिंग वाला बोर्ड बन रहा है टू के लिए, ऋषि के लिए, नॉट टू, ऋषि के लिए। तो ऋषि स्विमिंग के लिए अभी तैयार हो रहा है, पर उसको अभी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। और ये जा रहे हैं स्विमिंग पूल के, और देखिए ऋषि कितना एक्साइटेड है, वो पहले ही चला गया। वो यहाँ पे है, और ये चेंजिंग रूम है मेल फीमेल के लिए। रो 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 पोछा मल गया उलगा, तू बैठना तू बैठना। जा रहे सब सामान वामान लेके अपना, ये अभी स्विमिंग करना है, क्योंकि ऐसे तो स्विमिंग के लिए पूरा होता। पूरी साइड को जाना पड़ जीव, यहाँ पे सारे चेयर वगैरह उपलब्ध है। ना हाथ तो एबे ना बाबा नहीं जाए, रो वेट कर वेट कर, बेबी मन कर एकटा थोड़ी ठीक हो गई ऐसे कल तो रसोई से पानी को देखो किसी बाबा ने। और ये देखिए होटल का, ये है होटल व्यू, ये पूरा होटल का ये है। और यहाँ पे बार है, बार एंड किचन। और यहाँ पे स्विमिंग पूल का पानी हमेशा क्लीन हो रहा है। ये देखिए ब्लू हॉल बार एंड किचन लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हड़वाई जाता है कुछ का, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये होटल का पूरा व्यू है यहाँ पे स्विमिंग पूल का। यहाँ पे चेयर दे रहे हैं बैठने के लिए, पूल देखिए बहुत ही सुंदर है, और बिल्डिंग भी कैसा अच्छा है, कितना अच्छा है। पड़ो उठो जी, ये स्विमिंग करते हुए सरोज यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे सरोज स्विमिंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऋषि स्विमिंग कर रहा है, ये बड़े वाले पे कर रहे हैं, ऋषि वहाँ पे वीडियो रखो, छोटे वाले में कर रहा है वहाँ पे। ये देख के ऋषि कितना हैप्पी है, उसको बस स्विमिंग पूल पे आना था इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, अभी वो स्विमिंग पूल में आ गया है तो कितना मतलब देखिए कितना मज़ा कर रहा है वो, पूरा हैप्पी है, इतना हैप्पी है कि पूरा एक्सट्रीम पे है वो, टू हैप्पी ही जाए। से हाय, हाँ कब आए कोई, दादू को डाकिबा, कि दादू नईना को तो एक लगुच।
बी 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 ओए बस चलो बस चलो बस चलो बस चलो नो पानी नहीं ना मोबाइल खराब हो जाए ना। ये देखिए ऋषि को यहाँ पे कितना हैप्पी है, वो पूरा पानी में स्विमिंग करते हुए। देखिए 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 ऋषि 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 ये स्विमिंग पूल का जो सेटअप है ना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे चेयर्स वगैरह रखा हुआ है और ये भी रखा हुआ है आप स्विमिंग करने के बाद उस यहाँ पे थोड़ा सा धूप सेक के फिर जा सकते हो, इसलिए किया हुआ है। अभी जैसे कम लोग है ना तो कम ही दिया हुआ है, दो ही रखा हुआ है, बस हम ही लोग फर्स्ट आए हैं सुबह के लिए। और यहाँ पे चेयर कुर्सी सारे यहाँ पे लोग रात को बैठे ड्रिंक्स भी करते हैं, तो क्योंकि पूल पर ये फोस्टर होटल है तो पूल का मज़ा लेते हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे एंजॉय। देखिए बिल्डिंग कितना अच्छा है, कितना सुंदर है पूरा। और यहाँ पे ना फोटो खींचने के लिए सेटअप किया हुआ है वहाँ पे। और ये पानी में ये बच्चों के लिए है, ये वाला छोटा वाला 1 फीट है ये डिप, और ये है 5 फीट शायद ये वाला बड़ा वाला। एडा ये पानी डा कितने फुट है एडा पानी डा 6 फुट ना ना 5 फुट 5 फुट ना हाँ मतलब 4 to 5 है मैक्स इसका हाइट है। तो पानी में जिन जिन को स्विमिंग पसंद है ये स्विमिंग पसंद है ना, ये स्विमिंग पूल पे नहाना पसंद है, और लोग यहाँ पे आके स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सेटअप भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर में इसका। और जैसे यहाँ पे स्विमिंग करने से पहले यहाँ पे शावर लेना पड़ता है, तो बोले कि पहले स्विमिंग के पहले पहले शावर लेके आओ तो उसके बाद ही स्विमिंग करना। तो ये देखिए ये लोग शावर लेके आए फिर ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ऋषि और पापा दोनों मज़ा ले रहे हैं उसके। फाइनली ऋषि महाराज का ये बात कंप्लीट हुआ, उठने का मन नहीं था, जबरदस्ती उठाए पिलाए, फिर उसको ठंड लग रहा था, फिर बोला कि चाय पिलाए उसको, फिर चाय पियाओ। और ये है नाइट व्यू, नाइट पे कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और नॉर्मली यहाँ पे ना ये वाले जो प्लेस है ये भी सब लोग आके फोटो खिंचवाते, तो इसलिए मैं भी सोची कि मेरा फोटो खिंचवा रहा है, पर बाद में पता चला कि यहाँ पे वीडियो वाला में फोकट का पोज देने लगे, तो मुझे लगा कि फोटो खींच रहे तो 1-2-4 फोटो आ जाएगा, पर बाद में फोटो नहीं भाई वीडियो ही चला।
ऐसा था, ये आनंदा इनका मतलब अपना सफर, फिर यहाँ पे ना हमेशा मतलब नाइट पे तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो चल ही रहा है ताकि आपको एक अलग सा फील हो कि आप अलग से प्लेस में आए हो। तो ऋषि तो बहुत ही हैप्पी था क्योंकि उसको खेलने के लिए जगह मिला और उसको स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए भी मिल गया, तो इसलिए बहुत हैप्पी था वो। और एक चीज जो अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, वो चीज है यहाँ पे जो डाइनिंग रूम का, तो मतलब डाइनिंग पे अगर रूम पे अगर खाना ऑर्डर करो ना, कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। स्पेशली एक अगर रोटी अगर मंगा रहे हो आप ना, एक 90 90 रुपीज का 1 पीस रोटी, तो ये हमें बहुत ही ज्यादा लगा। नॉर्मली ये बफे जो है, नॉर्मली सुबह का ब्रेकफास्ट वो फ्री है, वो आप मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री वो आराम से जितना खाओ खा सकते हो, पर ये जो रूम पे जो भी ऑर्डर करके खाओ तो मेन कोर्स या कुछ भी, तो वो बहुत ही कॉस्टली है। आप चाहो तो ये पूछ करके इसका रेट चार्ट देख सकते हो, और वहीं पे कोई खाने का अगर बाहर से खाना है तो होटल के सामने ही अलग दुकान है, तो वहां से आप ला सकते हो। जैसे मामा स्पेशल अभी एक है जो उसका वीडियो हम बनाया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे जा सकते हो। इसलिए अब वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ उनके पास भी चला जाए, उनको भी थोड़ा हेल्पफुल रहे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड बाय बाय।